સાવરકુંડલાના પાગલ આશ્રમમાં 4 વર્ષ રહી સારવાર લેતી છત્તીસગઢની એક મહિલાની યાદ શક્તિ પરત આવતા તેણીના માતા પિતાનો સંપર્ક કરી આશ્રમ દ્વારા સોંપવામાં આવી હતી। છત્તીસગઢની મહિલાની વોટ્સએપ અને વિડિયો કોલના માધ્યમથી તેના માવતર સાથે વાતચીત કરાવી સાવરકુંડલા આવી તેમની દીકરીને તેડી જવા જણાવ્યું હતું। અહેવાલ જિગ્નેશ ગઢથિયા, સાવરકુંડલા। नाम कांसीराम पटेल। हाँ, गांव? गांव सासाहली। अच्छा, सासाहली तिल्दा नेवरा, तिल्दा नेवरा जिला, हाँ। रायपुर छत्तीसगढ़। जिला रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको कैसे पता चला, किसका फोन आया? पता चला थाना दान ने बिलासपुर फोन किया, तो फोन से मेरे को मालूम पड़ा तो मैं लेने आया। अच्छा, हाँ। किसको लेने आए? लड़की को। नाम बता, नाम बता। नाम क्या है लड़की का? सुनती। अच्छा, पूरा नाम बताया कर। पटेल राम पटेल, सासाहली तिल्दा नेवला, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। किसका फोन आया था चाचा को? टीआई जी का फोन आया था सावरकुंडला से। तो व्हाट्सएप में मैं देखा, व्हाट्सएप किया था तो व्हाट्सएप में मेरे को मिला कि मैं अपना सिस्टर को पहचाना, सुनती पटेल को। तो सावरकुंडला वाला टीआई मेरे को फोन किया कि आ जाओ अपना बहन को ले जाओ, ऐसे करके। तो मैं लेने के लिए आया हूँ सावरकुंडला आश्रम पे। आश्रम का नाम है मानव मंदिर में मैं आया हूँ अभी। कैसा आनंद है बहन को लेने का? बहन को लेने के लिए मैं जो आया हूँ उसमें बहुत मेरे को आनंद मिल रहा है। अच्छा, और आशीर्वाद है जो बाबा जी का कृपया है। आज से 4 साल पहले राजूला बस स्टैंड में एक मनोरोगी का महिला मिली थी, तो यहाँ सावरकुंडला मानव मंदिर आश्रम में मनोरोगी को रखने के लिए आश्रम है, वहाँ लड़कियों को रखते हैं बापू, भक्ति बापू। तो हमने यहाँ आके भक्ति बापू का कॉन्टेक्ट किया और ये लड़की को यहाँ छोड़ दिया। और वो भक्ति बापू ने हमने दो तीन दिन पहले हमको कॉन्टेक्ट किया कि वो लड़की अब जो दो तीन साल पहले छोड़ गए थे वो सही हो गई है, और हमने यहाँ मानव मंदिर आश्रम में आकर लड़की का पता लगाया। तो लड़की ने उसका छत्तीसगढ़ राज्य का वो गांव है उसका वो गांव का नाम और वाला मम्मी पापा का एड्रेस बता रहा था। तो हमने वो छत्तीसगढ़ में उसका कांटेक्ट किया और बहुत मेहनत के बाद उसका पता चला कि गांव की रहने वाली है। तो उसका मम्मी पापा का कांटेक्ट किया और आज रोज उसका पिता और उसका भाई वो लड़की को लेने के लिए आया है। तो हमने वो लड़की को उसको छोप दिया है। हम एक आनंद और गौरव की अनुभूति कर रहा है कि ऐसा काम हमने किया है। और राजूला पुलिस द्वारा जो लड़की मनोरोगी थी एसटी डेपो के अंदर बैठती थी, वो लड़की को इधर छोड़ गए मानव मंदिर में। डॉक्टर विवेक जोशी की सारवार, वो यहाँ की दवा और हवा मिल गई तो अब ठीक हो रही थी। पूरा एड्रेस बता रही थी, डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया। तो मैंने राजूला पुलिस का कॉन्टेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि जो बच्ची को आप इधर छोड़ गए थे मानव मंदिर में वो ठीक हो गई है। तो पुलिस आई, उनका आता पता लिखा और उनके पिताजी तक पहुँचे जो उत्तरांचल से। आज उनके पिताजी और उनके चाचा के लड़के लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजूला पुलिस का। और मेरा आश्रम बनाने का, आश्रम का निर्माण करने का जो हेतु था वो आज पूरा हो रहा है, मुझे उन इसलिए बहुत आनंद है। वो 90 मनोरोगी पुनः समाज में स्थापित हो चुके हैं। हमारा एक पहले से हेतु था कि पुनः उनको समाज में स्थान मिले। जो मनोरोगी को समाज तिरस्कृत करते हैं, हरदूत करते हैं, उनको पुनः सम्मान से समाज में स्थान मिले, वो आज हमारा हेतु सिद्ध हो रहा है। उनका बहुत ही बहुत हृदय में आनंद है। और फिर राजूला पुलिस का एक बार धन्यवाद करता हूँ उनको। अब तक कितनी लड़कियाँ ठीक हो गई? अब तक 90 व्यक्ति पुनः समाज में स्थापित हो चुके हैं। अभी
57 लेडीज है हमारे आश्रम में। हमारा एक सिद्धांत है, यहाँ से कोई चंदा लिया नहीं जाता और फीस भी नहीं लिया, निःशुल्क है, मुफ्त में है। यहाँ परमात्मा अस्तित्व सब चला रहा है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, किसके पांच कुछ मांगा नहीं जाता।